मणिपुरक, एक तरीके से स्वादिष्ठान और मूलाधार का नतीजा है। ये रख रखाव का केंद्र है। जो चीज शरीर के लिए बुनियादी है, जिसकी प्रकृति प्रजनन की है, ये दोनों चीजें मिलकर जीवन का निर्माण करती हैं। मणिपुरक सिर्फ रख रखाव करता है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप जो कुछ सृजन करते हैं, अगर उसे आप कायम नहीं रखते तो वो खत्म हो जाएगा। एक बगीचा, चाहे वो कितना ही सुंदर क्यों ना लगे, अगर एक महीने तक उसकी देखभाल ना हो तो वो बगीचा नहीं रह जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। तो इसे कायम रखना बहुत बहुत जरूरी है। इस लिहाज से मणिपुरक महत्वपूर्ण है। लोग अपने मणिपुरक को अपनी जगह से खिसका सकते हैं, मतलब उन सभी को खिसकाया जा सकता है, लेकिन खासकर मणिपुरक में खिसकने की ज्यादा क्षमता है, क्योंकि ये एकमात्र स्थान है जहां सभी 72,000 नाड़ियां मिलती हैं और फिर से बंट जाती हैं। इसी वजह से इंसान अपने मणिपुरक को कई अलग अलग तरीकों से खिसका सकता है। जो लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं, एक महत्वपूर्ण पहलू मणिपुरक को खिसका पाना है। अगर आपको अपने मणिपुरक को खिसकाना हो तो आपको अपने मार्शल आर्ट को इस स्थिति में लाना होता है जहां वो गतिविधि से स्थिरता में चला जाता है। टू ब्रिंग द स्टिलनेस इनटू द सिस्टम, शरीर में स्थिरता को लाने के लिए ही सारी गतिविधि है, सारी हरकतें। मार्शल आर्ट की प्रचंड और मुश्किल हरकतों का मकसद उस मुकाम पर पहुंचना है जहां आप बिना कोई हरकत किए भी रह सकते हैं। जब निश्चलता आती है तो आपके मणिपुरक को खिसकाने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ फिल्मों में और दूसरी चीजें जो आपने उन सुदूर पूर्व की फिल्मों में देखी होंगी कि एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है, अगर वो बस हु कहता है और हर कोई बस यूं ही गिर पड़ता है। नहीं, मैं रजनीकांत की फिल्मों की बात नहीं कर रहा, वहां और ज्यादा चीजें होती हैं, वो एक अलग बात है। क्योंकि मणिपुरक को हिलाने की आपकी क्षमता आपको एक अलग तरह की ताकत देती है। और एक चीज जो सुदूर पूर्व की मार्शल आर्ट स्टाइल में की जाती है वो है इसमें तमाम तरीकों से मणिपुरक पर लगातार प्रहार करना। रोज सैकड़ों मुक्के पेट पर सहे जाते हैं ताकि इसे कुछ ऐसे मजबूत किया जा सके कि ये बहुत स्थिर हो जाए। लेकिन क्योंकि ये इतना स्थिर है, इसलिए आप इसे जहां चाहे खिसका सकते हैं। अगर आप अपना रख रखाव केंद्र नाभि से दूर ले जा सकें तो आप में एक खास क्षमता आ जाती है। तब शरीर की कायम रहने की क्षमता, शरीर की चोटों को सहने की क्षमता, शरीर की मार सहने की क्षमता जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती है, क्योंकि आपने मणिपुरक को नाभि केंद्र से दूर खिसका दिया है और यह आपको अपनी ऊर्जा को गतिशील करने की जबरदस्त क्षमता देता है। लेकिन एक बार जब आप मणिपुरक को उसकी स्वाभाविक जगह से खिसकाते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने शरीर को निश्चल रखें, वरना आप इसे लंबे समय तक नहीं रख पाएंगे। कोई भी जो ऐसा करेगा वो कभी लंबी उम्र नहीं जी पाएगा, वो 35-36 की उम्र पार नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक बार जब आप मणिपुरक को खिसकाते हैं तो ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने शरीर को बहुत बहुत निश्चल रखना सीखें। उस समय अगर कोई हरकत हुई तो पूरा रखरखाव केंद्र अस्त व्यस्त हो जाएगा। एक बार रखरखाव केंद्र अस्त व्यस्त हो गया तो आप अजीब तरीकों से मरेंगे। कोई नहीं बता सकता कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप बस कुछ अजीब चीज होने से मर जाएंगे जिसकी कोई वजह नहीं होगी, कोई तार्किक कारण नहीं होगा कि यह क्यों हो रहा है। आम तौर पर देखा जाएगा तो जो लोग मणिपुरक साधना कर रहे हैं वो ये एक चीज करेंगे, मार्शल आर्ट के लोग नहीं, वो शारीरिक ताकत की तलाश में हैं। आध्यात्मिक मार्ग वाले एक चीज जो हम करते हैं वो है मणिपुरक में ध्वनि को लाना। क्योंकि अगर आप मणिपुरक में कोई ध्वनि लाते हैं तो वो पूरे शरीर में फैल जाती है और शरीर इस ध्वनि से स्पंदित होगा। नाउ लेट्स से यू वांट साउंड शिवा शंभो टू बिकम अ पार्ट ऑफ योर सिस्टम, देन यू डू मणिपुर साधना विद द साउंड सो दैट इट स्प्रेड्स to every part of the body and now the very body reverberates like that. अब मान लीजिए कि आप शिव शंभो ध्वनि को अपने सिस्टम का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तब आप मणिपुरक साधना उस ध्वनि के साथ करते हैं ताकि यह शरीर के हर हिस्से में फैल जाए और अब शरीर ही इस तरह स्पंदित होता है। ऐसा हुआ
पलनी स्वामी को पलनी स्वामी इसलिए कहते थे क्योंकि उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया कि उनका नाम क्या है, शायद उन्हें खुद भी याद नहीं था, क्योंकि लोगों ने उन्हें पलनी पहाड़ियों के आसपास कई शानदार अवस्थाओं में देखा था तो लोग उन्हें पलनी स्वामी कहने लगे। एक चीज जो उनके जीवन में घटित हुई वो थी, क्योंकि वो बिना कुछ किए सिर्फ एक जगह बैठे बैठे वो इतनी भीड़ इकट्ठा कर रहे थे तो मंदिर के पुजारी थोड़े नाराज थे। ये आदमी जो कुछ नहीं करता, जो दूसरे लोगों से अपना भोजन मांगता है, वो इतने लोगों को इकट्ठा कर रहा है, वो मंदिर में सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं अपने कर्मकांड और काम काज करते हुए, लेकिन लोग इस तरफ नहीं आ रहे हैं, वो उस तरफ जा रहे हैं, तो वो कोई कमी खोजना चाहते थे, कोई ना कोई कमी। तो एक दिन पलनी स्वामी पर आरोप लगाया गया कि वो तब भी भगवान का नाम लेते रहते हैं जब वो अपना नित्य कर्म कर रहे होते हैं, जो कि सही नहीं माना जाता है। जब आप शौच कर रहे हो तो आपको शिव नहीं कहना चाहिए, यही पूरा मुद्दा है। सीधे शब्दों में कहें तो उन्हें ग्राम पंचायत के सामने लाया गया और आरोप लगाया गया कि जब वो सुबह शौच कर रहे होते हैं तो वो शंभो का जाप करके भगवान को अपवित्र कर रहे हैं। उन्होंने अज्ञानी पंचों के इस ग्रुप के सामने उन्हें पेश किया। वो वहीं बैठ गए, आंखें बंद किए, मुंह बंद करके। शंभो ध्वनि की एक जोरदार गूंज लगातार चल रही थी। वहीं उनके ऊपर लगे अभियोग का अंत हो गया और उन्हें बहुत ध्यान मिलने लगा, तो उन्होंने वो जगह छोड़ दी। उन्हें इतना अटेंशन नहीं चाहिए था तो उन्होंने वो जगह छोड़ दी, क्योंकि इसके बाद बहुत ज्यादा ध्यान मिलने लगा था, लोग बड़ी तादाद में इकट्ठा होने लगे थे, तो वो वहां से चले गए। तो ये अगर आप अपने मणिपूरक में एक ध्वनि को ले आते हैं तो अब ये पूरे शरीर में फैलेगी और पूरा शरीर ही इस ध्वनि से स्पंदित होगा। अगर आप इसका उच्चारण अपने मुंह से करें तो इसे जप कहते हैं, अगर आप इसका उच्चारण अपने हृदय से करते हैं तो इसे तप कहते हैं, अगर आप इसे अपने मणिपूरक में ले आते हैं तो इसे अजप कहते हैं। इसका मतलब है जप किए बिना वो ध्वनि आपसे निकल रही है, अपने मुंह को खोले बिना, अपने वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल किए बिना, वायु नली का इस्तेमाल किए बिना, जो एक ध्वनि को निकालने के लिए जरूरी होते हैं, पूरा शरीर उस ध्वनि को स्पंदित करता है। ये तीन चक्र, मणिपूरक, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपूरक, कई मायनों में शरीर के भौतिक आयाम को बनाते हैं। दूसरे चार अलग प्रकृति के हैं, ये तीन सबसे जरूरी हैं। चाहे इंसान शारीरिक रूप से अच्छे से, मानसिक रूप से अच्छे से, भावनात्मक रूप से अच्छे से, या ऊर्जा की दृष्टि से अच्छे से जीना चाहता है, या इस धरती पर रहने की अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहता है, तो ये तीन सबसे महत्वपूर्ण हैं। और योग की सभी पद्धतियां इन तीनों के विभिन्न जोड़ तोड़ से आई हैं। दूसरे चक्रों के अलग महत्व और नतीजे होते हैं।